मैंने जैसे कहीं सुना था कि हॉबी ऐसा होना चाहिए एग्जामिनर को ज्यादातर बहुत टफ बताइए उसको तैयार कर ले इस तरीके से, लेकिन कभी कभी किस्मत खराब हो तो एग्जामिनर को हो सकता है उस हॉबी के बारे में पता हो। जैसे एक मैंने अभी सुना था एक यूट्यूब पर, उसने Formula 1 रेसिंग कार बताया जैसे, हाँ और उसने रट लिया उसके बारे में, और इत्तफाक से एक एग्जामिनर को उसके बारे में पता था, उसकी भी इससे हॉबी थी और उसने अच्छे क्वेश्चन उसमें कर दिए और उसकी चालाकी नहीं चली। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, जो इंटरव्यूअर होता है उसको पता हो या ना पता हो, वो आपसे सवाल पूछ लेगा, उस सवाल को उत्तर बाद में भी ढूंढकर आपकी मार्किंग करता है। ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल पूछ लिया और तुरंत आपकी मार्किंग कर दे, ठीक है आप अमित जी गए और अमित जी कितने मार्क्स हो गए। जैसे वो पूछ लिया आपने फॉर्मूला रेस आपने बता दिया, क्रिकेट बता दिया, या फुटबॉल बता दिया, या बेसबॉल बता दिया, हो सकता है बेसबॉल कभी नहीं जानता हो, तो पूछेगा कि भैया अच्छा किन किन देश किन देशों की राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, या बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, हाँ हाल ही तो में जैसे, बेसबॉल का कौन सा टूर्नामेंट हुआ हाँ और उस कौन समय, जीता, हाँ और बेसबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या होता है। तो अगर आप उसको नहीं भी पता है तो ये मान लीजिएगा उसके पास 5-10 रटे रटाए सवाल होते हैं जो उठा उठा के दे उठा के दे उठा के दे उठा के आपको मारना शुरू करेगा। और उस हॉबी से अब पूछेगा कि चाहिए बेसबॉल से आप केवी में बच्चों को कैसे उनके सर्वांगीण विकास में सहायक करेंगे, तो आप ये बेसबॉल का यूज करिए। तो इसीलिए कोशिश क्या करिए कि जैसे अगर आपने किताबें बताई, जैसे बहुत बार लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उनको ये नहीं पता है कि हम क्या बताएं अपनी हॉबी, तो हॉबी में एक आप ये रट लीजिए कि सर हॉबी में मुझे बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है, तो वो पूछेगा हाल ही में कौन से बुक्स पढ़ी हाँ आपने। रीडिंग अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो कहेगा अच्छा ठीक है, इस हॉबी का यूज आप केवी में कैसे करेंगे, तो कहते सर मैं एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाऊंगा और मैं जो बहुत सारी किताबें मैंने अपने घर पर रखी हैं वो वहाँ पे ले जाकर रख दूंगा, बहुत सारे मेरे पास बाल कविताएं हैं, कार्टून्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन है, और उसके बाद मैं बच्चों से भी कहूंगा कि जो पुरानी कक्षा की किताबें आपके पास हैं, जो आपके घर में पुरानी किताबें हैं, उनको भी एक तरफ से रख दीजिए। तो फिर मैं उसमें से क्या करूंगा कि जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है, जो उनके क्षमता के अनुरूप, उनको मैं उस लाइब्रेरी में रखूंगा और कोशिश करूंगा कि बच्चों को भी इस हॉबी से, अपनी हॉबी से उनको जोड़ो और वो भी उस लाइब्रेरी से किताबें ले जाकर पढ़ें और उनका भी जो पढ़ने का शौक है वो भी आ गया है, चाहे वो बाल साहित्य ही क्यों ना हो, चाहे वो रिमझिम ही क्यों ना हो, चाहे वो कार्टून ही क्यों ना हो, चाहे वो बाल कविताएं, बाल कहानियां, कुछ भी ऐसा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने स्कूल के कॉर्नर में एक कोने में एक लाइब्रेरी बनाएंगे जिसपे हम पुरानी किताबों का भी इस्तेमाल करेंगे, बच्चों से भी कहेंगे कि बच्चे भी इसमें सहभागिता करें, जिससे बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होगा। रिसाइकल मतलब जो उनको लगता है कि एक बार हमने किताब यूज कर ली, फेंकना की जगह हम लाइब्रेरी में रख देंगे, तो कई चीजें यहाँ से निकल कर आएंगी और इंटरव्यू को दे दनादन जवाब मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का होता चला जाएगा। जी। दूसरा पूछ सकते हैं, आपने हाल ही में कौन सी किताब पढ़ी, आपने हाल ही में कौन सी किताब पढ़ी है, तो एक दो किताब पहले से पढ़ के रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं, हो सकता है वो उस जी बारे में जानता हो, इसलिए एक दो किताबें पढ़ लीजिएगा, उसके पहला पन्ना दूसरा पन्ना उस किताब में क्या है, कोशिश करिएगा, बहुत सारी किताबें हैं जिनका यूट्यूब पे संक्षेप में मिल जाएगा, हाँ सर उसमें यही किताब थी मुझे जहां तक याद आ रहा है, मतलब जरूरी नहीं कि आपको पूरा एग्जैक्ट याद भी हो। जी अब पूछ देंगे हाल ही में कोई पुस्तक का विमोचन हुआ हो, कोई हाल में पुस्तक का विमोचन हुआ हो, तो करंट के भी क्वेश्चन को अपडेट रहेगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा या कोई अन्य किसी मंत्री जी के द्वारा कोई विमोचन किया गया, या कोई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा कोई पुस्तक आई हो, तो बस ये गिने चुने आपके पास 5-7 प्रश्न होते हैं, ऐसे आपके किसी भी हॉबी से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये इस तरह के सवाल आपके हॉबी से जी लेकर आते हैं, और जरूर नहीं, मैं तो एक हाँ, एग्जाम्पल दिया। ये काफी मदद मिली, ये चीजें जैसे हाँ रीडिंग अपना ठीक है, और इसमें थोड़ा करंट अगर तैयार कर लेंगे तो उसमें मदद मिलेगी। और जैसे स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट, इसमें क्या किस तरीके से अच्छा, विश्लेषण करें? स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट में हमेशा लाइफ में याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो आपका ही है, उस पर ये पूछेंगे कि अगर इससे बच्चा प्रभावित हो रहा है तो आपने क्या किया, बच्चे को जोड़ेंगे। दूसरा जो आपका वीक जोन है ना, वो स्ट्रॉन्ग जोन से सवाल बहुत कम पूछते हैं, बहुत रेयर केस में पूछते हैं, लेकिन जो वीक जोन है ना उससे सवाल झोला भर भर के पूछेंगे। वो ये पूछेंगे ना कि आप अगर जैसे मान लीजिए कोई आप वीक जोन बताइए, मैं उस पर एग्जाम्पल देके आपको बताऊं, कोई वीक जोन बताइए, जैसे अगर आपका क्या वीक जोन है, जैसे मान लो हाइट फोबिया, मान लो है एक तरीके से वीक जोन। जैसे ऊंचाई पर जाने पर डर लगता है, तो आपके कहा जाएगा कि मान लीजिए हाँ किसी भी कक्षा में आप क्या कोई सेमिनार हो, वो तीसरे तल पर हो, आपका विद्यालय है 3 या 4 तल का हो, तीसरे तल पर कोई सेमिनार आयोजित हो और वहां से कोई बच्चा सामने आए, कहे सर यहाँ से मुझे झंडा रोहण करना है, झंडा दिखाना है, या वहां से नीचे मुझे फील्ड दिखानी है, तो जब आपको ये फोबिया है तो बच्चों कैसे दूर करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे मतलब अपना वीक जोन वो बताइएगा कि जो आपने सुधार कर लिया है, मतलब ऐसे मतलब ऐसा मर्ज बताइएगा
जिस मर्ज का आपके पास दवा हो चुका हो, मतलब वो मर्ज ठीक हो गया हो। जैसे इसमें हाई वीक और स्ट्रांग में क्या बेस्ट रहेगा आपके हिसाब हाँ, से? मैंने मेरे हिसाब से मतलब ये बताइएगा, देखिए हमेशा ध्यान रखे ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी बताइए आपका जो वीक जोन है उसका इलाज आपने कर लिया है, उसका इलाज पॉसिबल है। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मुझे खून से बहुत डर लगता है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं सर मुझे खून देखते बहुत मुझे डर सा लगता है, तो वो ये बताते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है मुझे नॉनवेज चीज़ों से दूर है। लेकिन अगर आप एक कक्षा में कोई बच्चा गिर गया, उसके सर में चोट लगी, ब्लडिंग होने लगा, तो क्या करेंगे आप? तो बच्चे को छोड़कर खुद ही आप भाग जाएंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते कि बच्चा छोड़ो और भाग जाओ यहाँ से, ये भी नहीं कर सकते। तो अब जो भी आपका वीक जोन हो उस पर, जैसे सर मैं डिमोटिवेट जल्दी हो जाता हूँ, मैं पहले डिमोटिवेट ज़्यादा हो जाता था, लेकिन मैंने पापा को देखकर मैंने ये सीखा कि वो कितना संघर्ष करके हम लोग को यहाँ लेकर आए। मैं कक्षा जब 10वीं 12वीं तक था तो मैं छोटी छोटी परीक्षाओं से डिमोटिवेट हो जाता था, जब छोटी छोटी परीक्षाएं होती थी, लेकिन आज अब मुझे मजबूती मिलती है कि अगर मैं उतना टूटता नहीं, संघर्ष नहीं करता, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और आज मैं अगर आपके सामने हूँ तो मुझे अपने पापा से प्रेरणा मिली है और उसकी वजह से मैं आया। फिर वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा डिमोटिवेट है तो आप क्या करेंगे? आप तो वही बताइए सर कि मुझे चीज़ों को समझाएंगे, तो कहेंगे अच्छा ठीक है आपका कम नंबर आते थे तो आप डिमोटिवेट थे, तो बच्चों को भी कैसे करेंगे? तो कहिए सर अब हम उनका मूल्यांकन उनके मार्क्स से नहीं करेंगे, हम उनका मूल्यांकन बच्चे का हम उसके मार्क्स से नहीं करेंगे, हम ग्रेडिंग करेंगे। और हम उसके भाषाई ज्ञान के साथ साथ उसके सामाजिक, उसने कितना सीखा है, मौखिक परीक्षा, इन आधारों पर मूल्यांकन करेंगे। और जो उसकी कमियां नजर आएगी हम उस कमियों पर काम करेंगे, ताकि उसे ये भी ना पता चले उसका वीक जोन क्या है, और हम उसके वीक जोन को एक न एक दिन स्ट्रांग जोन बनाकर उसके लिए हमें खुद के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन पाए, जैसे मेरे लिए मेरे पापा हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा कि जो आपका वीक जोन है वो आपके बच्चों की क्लास से जरूर जुड़ेंगे इंटरव्यू में। तो आप इस बात के लिए पूरी तरह से जी प्रिपेयर रहिएगा, पूरी तरह से तैयार रहिएगा कि जैसे वो पूछें और आप उनको तुरंत दे धनाधन शुरू कर दीजिए। उनका पूछने का उद्देश्य यही होता है कि कहीं ऐसा ना हो आपको टीचर बना दे और आपका वीक जोन उनकी कक्षा में हावी हो जाए। और कोई सवाल आपका? जैसे ध्यान दीजिएगा। सर डेमो टीचिंग के लिए एक दो वीडियो अगर आप बना दे, जैसे हिंदी का एक हो गया या मैथ का है और इंग्लिश का कविताओं के बारे में। हाँ, तो इसके लिए मैं एक एक करके डेमो टीचिंग के लिए बना दूंगा और कोशिश करूंगा कि कई लेसन का बना दूं, क्योंकि देखिए वही प्राय पूछते हैं किस कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं। पहली बात तो एक सवाल इनका ये होता है हाँ सीधा सीधा, हाँ किस कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं, वही कक्षा आपने क्यों चुना? इसलिए सभी कक्षाओं को, कक्षा 1 2 3 4 5, कई बार जैसे कुछ लोग जो भाषा का चयन करते हैं वो फंस जाते हैं। भाषा का चयन करने, जैसे मान लीजिए आपने कहा सर मुझे हिंदी पढ़ानी, तो ये कहेंगे ये बताओ तमिलनाडु में चले गए, वहाँ सारे बच्चे तमिलियन हो, तो आप कैसे भाषा शिक्षण करेंगे भाई? आप हिंदी उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? हाँ तो ये हाँ, तो आप कहेंगे सर हम मातृभाषा में पढ़ा, तो उनकी तो मातृभाषा तमिल हो गई, आपकी तो मदर टंग हिंदी हो गई, लेकिन उनकी मदर टंग तमिल ना है, तो अब उसको कैसे करेंगे? तो इस पर भी एक तीसरी भाषा इंग्लिश तो होनी चाहिए जो कम्युनिकेट करे हाँ, तो। तो अब आपको यहाँ पर ये बात बतानी होगी कैसे वहां पर क्या करना है। वहां पर अगर उनकी मदर टंग अलग है, मान लीजिए आप किसी हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं, वहां पर 2 बच्चे तमिल के आ गए, 2 बंगाली आ गए, अब उसको उस भाषाई कक्षा में आप क्या करेंगे? क्या उनको बाहर बैठाएंगे, उन्हें अलग से पढ़ाएंगे, कक्षा कक्ष को साथ लेकर चलेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर आप? तो एक प्रश्न आपके सामने उठा के रख देंगे। और ऐसा हो सकता है आपकी पहली ज्वाइनिंग पोस्टिंग मणिपुर में हो जाए, हो सकता है आपके केरला में हो जाए, हो सकता है पहली पोस्टिंग हमारे जौनपुर में ही हो जाए, मतलब कहा नहीं जा सकता ना कहाँ पे होगी पहली पोस्टिंग आपकी, जी राजस्थान में भी हो सकती है। और कोई सवाल आपके? अब बाकी सर आप थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए किस तरीके से इंटरव्यू होता है। आप तो फेस कर चुके हैं, हाँ, तो हम इसके लिए अब लेकर मेरे लिए आएंगे। तो बड़ा हाँ, नया था। इसीलिए तो हमने ये डेमो मॉक इंटरव्यू शुरू किया है, ताकि जो गांव के बच्चे हैं वो भी जुड़ सकें। बहुत सारे कोचिंग वाले इसके लिए मोटी मोटी फीस वसूल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब तक यहाँ से जिगरा नहीं रहेगा ना, इंटरव्यू फेस करना और मार्क लाना वो बहुत, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंटरव्यू के साथ साथ हमें मार्क्स लेकर आने हैं और सलेक्शन कर लेना है। और इंटरव्यू भी याद रखे कि वो चेहरा इंटरव्यू देने के बाद जब बाहर निकले तो 100 लोगों को इंटरव्यू ले तो याद आए हाँ अमित बंदा भी था कोई, कोई अमित ने भी इंटरव्यू देगा, मतलब उसके आपके जवाब जो है ना उसे कई दिनों तक तो जगा के रखें, मतलब जब नींद में भी आए तो आपको ले आ गया आपका इंटरव्यू, उसको याद है हाँ यार मैंने अमित जी का इंटरव्यू लिया था कानपुर वाले। तो जी ठीक है, थैंक यू आपका अमित जी, इस वीडियो जी को सर मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जी